हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सेवरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अंडे की मिठाई की रेसिपी। इन अदर वर्ड्स, इट्स एन बेस्ट बैंगलोर स्टाइल एग पुडिंग। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए एक बाउल सेट करेंगे, जिसमें मैंने ऐड किया है 6 अंडे। इस कप में ये परफेक्ट मेजरमेंट है। सो इसी कप को यूज़ करके हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसी कप को यूज़ करके मैं 1 कप चीनी ऐड करूँगी। इसमें बहुत ही ईजी टेक्निक है ये। फिर उसी कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे आलमंड पाउडर तैयार किया है। या फिर अगर आप आलमंड पाउडर नहीं ऐड करना चाहते थे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसकी जगह पे आलमंड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसी मेजरमेंट से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1 कप मावा, यानी कि खोया, 1 कप घी, 1/3 कप सैफ्रॉन मिल्क, इलायची पाउडर, ये फ्रेशली ग्राइंडेड इलायची पाउडर है, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 पिंच बेकिंग पाउडर। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है, तो आप इसे मिक्सी के किसी भी जार में ऐड करके इसे अच्छे से, बेसिकली हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे मिक्सी के जार के हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसे हम ढक के एक साइड पर रख लेंगे। दूसरी तरफ मैं बेकिंग टिन लूँगी, उसे अच्छे से घी की हेल्प से ग्रीस कर लेंगे। इस एग के मिक्सचर को हम अच्छे से एक और बार चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे टिन्स में फिल करेंगे। सिर्फ 3/4 पोर्शन ही हमें इसे टिन में फिल करना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक बर्तन प्री हीट कर लिया है। इसमें मोटा नमक मैंने इसमें ऐड किया है। पतीले के बॉटम में अच्छे से हीट मिल रही है, तो इस स्टेज पे मैं इस टिन को इसमें रखूँगी और लो फ्लेम पे हम इसे बेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको इसे लो फ्लेम पे ही बेक करना है। अब मैंने इसे ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स बेक कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसे जो ऊपर से ओवन स्टाइल क्रस्ट या फिर डार्क कलर आता है, उसे लाने के लिए कोयले को बर्न करके इस पतीले के टॉप में जो मैंने प्लेट रख ढकी हुई है, उस प्लेट पे रख लूँगी और इसी तरह इसे बेक करूँगी। सम मोर 10-15 मिनट्स हम इसे और बेक करेंगे। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि बस ये इतना ही कलर काफ़ी है, तो आप उस पॉइंट पे ऊपर से कोयला हटा सकते हैं। अगर आपकी ये पुडिंग अगर अंदर से कच्ची है, तो आप कोयला हटा के नीचे से सिर्फ बेक कर सकते हैं। ये जो कलर है ऊपर से, उसी पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा जब आप कोयला ऊपर से हटा देंगे। तो जिस स्टेज पे भी आपको लगे कि ये परफेक्ट कलर है, तो आप उस स्टेज पे ऊपर से कोयला हटा दीजिएगा और आपकी पुडिंग बेक कर लीजिएगा स्क्यूअर क्लीन निकलने तक। बिल्कुल ओवन जैसी बेकिंग मैंने इस वीडियो में सिखा दी है। अगर आपके पास ओवन नहीं है, तो आप भी बिल्कुल ओवन जैसे दोनों राड हीट करके बेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में ये टेक्निक दिखाई देगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।